इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक हैं, इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। चड्डा साहब, अरे मिस्टर बेनर्जी, आप प्लीज बैठिए। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया हूँ चड्डा साहब। मैं पिछले 10 सालों से आपकी फार्मेसी से जड़ी बूटियां, दवाइयां, भस्म आदि खरीदता रहा हूँ, लेकिन 10 सालों में पहली बार आज मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है। धोखा? ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर बेनर्जी? तो फिर ये क्या है? ये वही कुरियर वाला लिफाफा है जो कमलाकांत ने मुझे भिजवाया था। मिस्टर बेनर्जी, ये तो वही स्वर्ण भस्म है जो आपके ऑर्डर पर मैंने आपको भिजवाई थी। मैंने स्वर्ण भस्म मंगवाया था, स्वर्ण भस्म के नाम पर मिलावट नहीं। मिलावट? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं इस तरह की धांधली नहीं करता मिस्टर बेनर्जी, आप भी जानते हैं। इसीलिए आप पर भरोसा करके मैंने आपको स्वर्ण भस्म का ऑर्डर दिया था और मैंने उसकी पूरी पेमेंट भी एडवांस में कर चुका हूँ, लेकिन आपने मेरे साथ इतनी बड़ी बेईमानी की, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं। आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं मिस्टर बेनर्जी। आपने क्या सोचा था, आप मुझे स्वर्ण भस्म के नाम पर कुछ भी पकड़ा देंगे और मुझे उसका पता तक नहीं चलेगा? मैं चाहूं तो धोखाधड़ी के जुर्म में मैं आप पर पुलिस कार्रवाई भी कर सकता हूं। बस मिस्टर बेनर्जी, बस। मैं कह रहा हूं आपसे कि स्वर्ण बस प्योर है, फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने इसकी पूरी जांच पड़ताल करवाई है। चेक करने पर पता चला कि इसमें आधा तो स्वर्ण भस्म है और बाकी का आधा गोल्डन कलर मिक्स किया हुआ है। क्या? मैं अभी आपके सामने इसकी पूछताछ करवाता हूँ। यस सर। सेवक राम, कमलाकांत जी को अंदर भेजो। जी सर। लगता है आपको कुछ गलत फहमी हो गई है। गलत फहमी नहीं, सबूत आपके सामने है। मैं ही कमिंग सर? प्लीज कम। सर आपने मुझे बुलाया? कमलाकांत जी, मैंने आपकी निगरानी में स्वर्ण भस्म रखने को दी थी ना? जी हाँ सर, और आप ही के कहने पर मैंने उसे मिस्टर बेनर्जी के नाम पर कोरियर कर दिया था सर। लेकिन मिस्टर बेनर्जी का कहना है कि जो स्वर्ण भस्म उन्हें भेजी गई थी उसमें मिलावट है। ये कैसे हो सकता है सर? सर आपने मुझे स्वर्ण भस्म के पैकेट जैसे दिए थे, मैंने उन्हें एज इट इज कोरियर कर दिया था सर। तो फिर क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? एक मिनट मिस्टर बेनर्जी, एक मिनट। कमलाकांत जी, आज तक मेरे पास ऐसी शिकायत नहीं आई है। आप मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने स्वर्ण भस्म को लिफाफे में पैक करके सेवक राम को कोरियर करने के लिए दे दिया था सर। सेवक राम! जी सर। कमलाकांत जी ने जो पैकेट आपको कोरियर करने के लिए दिया था उसको रास्ते में आपने खोला था? नहीं सर, मैं क्यों खोलूंगा? तुम झूठ बोल रहे हो सेवक राम। जब पैकेट रास्ते में खोले ही नहीं गए तो स्वर्ण भस्म में मिलावट हुई कैसे? तुमने स्वर्ण भस्म के पैकेट खोलकर उसमें चोरी की है सेवक राम। साहब भगवान कसम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं इतने सालों से आपका नमक खा रहा हूँ, मैं आपके साथ गद्दारी कैसे कर सकता हूँ साहब? फिर किसने किया ये सब? देखो सेवक राम, अगर तुमसे गलती हो गई है तो कबूल कर लो। कमलाकांत जी, ये गलती? अरे गलती नहीं, सरासर चोरी है। मेरा वही मतलब है सर। देखो सेवक राम, अगर तुमने चोरी की है तो मान लो। सब कैसी बात करते हैं सब आप, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन चोर नहीं हूँ। फिर ये चोरी की किसने? साहब वो कमलाकांत जी स्टोर रूम का दरवाजा बंद करके। बकवास मत करो सर, वो तो मैं स्वर्ण भस्म को लिफाफे में पैक करके कोरियर के लिए तैयार कर रहा था सर। सेवक राम, तुम कमलाकांत जी पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो? तुम जानते भी हो इनके जैसा ईमानदार और भरोसेमंद आदमी हमारी पूरी कंपनी में दूसरा नहीं है। ये चोरी तुम्हारे अलावा कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। साहब मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगाइए साहब, मैं अपने बाल बच्चों की कसम खा के कहता हूँ साहब, ये चोरी मैंने नहीं की साहब। इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। साहब मेरी बात तो सुनिए साहब। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम जैसे लोगों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मौका मिला नहीं घास साफ कर लेते हैं। साहब निकल जाओ यहाँ से और आइंदा इस कंपनी के ऑफिस में दिखना मत। मिस्टर बेनर्जी, मैं माफी चाहूंगा आपसे और जल्द से जल्द आपको दूसरा स्वर्ण भस्म भिजवाने का इंतजाम करता हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। मुझे डर था कमलाकांत जी, इसलिए स्वर्ण भस्म मैंने आपको रखने को दिया था। सर लेकिन मुझे क्या पता था कि सेवाग्राम रास्ते में इस कदर बेईमानी कर जाएगा। क्या हो गया, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या बताओ लक्ष्मी, आज चड्डा साहब ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाकर मुझे नौकरी से निकाल दिया। क्या? हाँ लक्ष्मी, मैं रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, कसमें खाता रहा कि मैंने चोरी नहीं की, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। इतने साल से मैं वहां नौकरी कर रहा हूँ
और आज जब रिटायरमेंट के 3 साल बाकी रह गए तो मुझ पर ये चोरी का कलंक लगा दिया। हे भगवान, क्या होगा? लक्ष्मी तुम्हें बताओ, क्या मैं चोरी कर सकता हूँ? मैं इतने साल से वहां नौकरी कर रहा हूँ। चड्डा साहब के लाखों रुपए वहां पर मेज पर पड़े रहते थे, लेकिन मैंने उन्हें छुआ तक नहीं। लेकिन आज सबके सामने नौकरी से निकालकर उन्होंने मुझे नंगा कर दिया। अगर तुम बेकसूर हो तो उनसे जाकर बात क्यों नहीं करते? चोरी का इल्जाम सर पर लेकर घर आए क्यों? लक्ष्मी वो बड़े आदमी है, एक बार उनके दिमाग में कोई बात बैठ गई तो फिर वो किसी के सुनते नहीं। और मैं ठहरा छोटा आदमी, कब तक उनसे बहस करता? लक्ष्मी इस दुनिया में गरीब होना बहुत बड़ा गुनाह है। सेवक राम। अरे कमलकांत जी आइए आइए। कमलकांत जी आप ही बताइए, आज जो चड्डा साहब ने मेरे साथ में किया, क्या वो ठीक था? क्या आपको भी लगता है कि चोरी मैंने की है? नहीं सेवक राम, मैं जानता हूं कि ये चोरी तुमने नहीं की है। फिर मुझे ये सजा क्यों मिली? और उस वक्त आपने भी मेरी सफाई में कुछ नहीं बोला। 3 साल बाकी रह गए थे रिटायरमेंट को और उसका ये सिला मिला मुझे। देखो सेवक राम, इस कदर परेशान मत हो, मालिक लोगों के खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है, ये तो तुम अच्छी तरह से जानते हो। लक्ष्मी ये कमलकांत जी। नमस्ते। ये तो हमेशा आपकी बात करते रहते, आपकी सच्चाई और ईमानदारी की मिसाल देते, ये तो आपको भगवान मानते हैं। भगवान? नहीं नहीं ऐसा मत कहिए, मैं इस लायक नहीं हूँ। विश्वास और भरोसे की बात है साहब, जिसे ये भगवान मानते, आज उस भगवान को मैंने भी साक्षात देख लिया। सेवक राम ये कुछ रुपए हैं, इन्हें रख लो, और हाँ और जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। अच्छा मैं चलता हूँ, नमस्ते। नमस्ते साहब। नमस्ते। अरे अभी तक तुम ऐसे ही बैठे हुए हो, चलो कपड़े बदल लो, मैं खाना लगाती हूँ। तुम खा लो रत्ना, मुझे भूख नहीं है। क्या हुआ, क्या है? ऑफिस से आके ऐसे क्यों बैठ गए हो तुम? प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो बस। अकेला तो मैं छोड़ दूंगी, लेकिन ये तो पता चले कि हुआ क्या है। अरे आज तुम लोगों के चक्कर में आकर जो गुनाह मैंने किया था उसकी सजा एक बेकसूर को मिल गई। क्या मतलब? जो स्वर्ण भस्म मैंने डॉक्टर गजेंद्र को देने के लिए चुराई थी, उसकी कमी को पूरा करने के लिए मैंने उसमें गोल्डन कलर का पाउडर मिक्स कर दिया था। ये मुझे मालूम है, आगे बताओ। अरे चड्डा साहब के कहने पर मैंने ये मिलावट किया हुआ स्वर्ण भस्म एक पार्टी के ऑर्डर पर उसे कोरियर करवा दिया था। आज वो पार्टी ऑफिस में आकर चड्डा साहब से झगड़ा करने लगी कि उसे मिलावट किया हुआ स्वर्ण भस्म मिला है। पूछताछ करने पर चड्डा साहब का शक हमारी फार्मेसी के नौकर सेवक राम पर गया, और उन्होंने उस बेचारे गरीब को मेरे ही सामने नौकरी से निकाल दिया। तो क्या हो गया? अब अगर चड्डा साहब को शक है कि नौकर ने स्वर्ण भस्म चुराई है, उसी ने मिलावट की है, तो इसमें तुम क्या कर सकते हो? रत्ना ये तुम भी अच्छी तरह से जानती हो और मैं भी, कि ये सब किसने किया है। अरे अरे मेरी आंखों के सामने मेरे गुनाह की सजा एक बेकसूर को दे दी गई। तब से लेकर अब तक मेरी अंतरात्मा मुझे कचोट रही है। मैं एक पल के लिए भी चैन से नहीं बैठ पा रहा हूँ रत्ना, एक पल के लिए भी। ऐसा लग रहा है कि मेरा दिमाग फट जाएगा। बेकार का टेंशन लेना तुम्हारी आदत बन गई है। अरे तुम इस चीज को टेंशन लेना कह रही हो? किसी ने तुम्हारे ऊपर उंगली तो नहीं उठाई ना? सवाल उंगली उठाने का नहीं है रत्ना। अरे चड्डा साहब ने मुझ पर इतना भरोसा किया कि मेरे किए की सजा किसी दूसरे को दे दी, इस बात ने मेरा सुख चैन छीन लिया है। अरे मैं अपनी ही नजरों में गिर गया हूँ। अपनी नजर में तो इंसान गिरता पड़ता रहता ही है, उसे कोशिश ये करनी चाहिए कि दूसरे की नजर में ना गिरे। नहीं रत्ना, अरे मुझसे सरासर गुनाह हुआ है और इस गुनाह की सजा किसी दूसरे को नहीं मुझे मिलनी चाहिए थी, मुझे। ठीक है तो फिर जाके बता दो चड्डा साहब को कि उन्होंने तुम्हारे ऊपर जो भरोसा किया वो गलत है, तुम भरोसे के लायक हो ही नहीं, तुम बेईमान हो, तुम चोर हो। ये सब कहने की हिम्मत है तुम्हें? यही तो समझ में नहीं आ रहा रत्ना कि मैं क्या करूं। तो फिर चुप होकर के बैठो। अगर तुमने सच बोल दिया
तो एक दिन भी नहीं टिकोगे तुम वहां। नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, साथ में बदनामी होगी सो अलग, किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे तुम, समझे कुछ? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरी अंतरात्मा मुझे बार बार कचोट रही है। अपनी आत्मा पे इतना जोर देते क्यों हो तुम? सच बोलने से कोई इनाम नहीं मिलने वाला है तुमको, एक पैसा नहीं मिलेगा, पुलिस के हवाले कर दिए जाओगे तुम। सोच लो कि तुम्हें क्या बोलना है। सच बोलने से अगर तुम्हारी आत्मा को शांति मिलती है तो बोल दो सच और पहन लो हथकड़ियां, वरना जाके कपड़े बदल लो, मैं खाना लगा रही हूं। भटनागर साहब, हाँ डॉक्टर गजेंद्र बोल रहा हूं। हाँ मैंने वो औषधि स्वर्ण भस्म के मिश्रण से तैयार कर ली है, हाँ खुद चखी मैंने, बहुत बढ़िया बनी है। अरे देखिए मार्केट में चलेगी नहीं ये, दौड़ेगी। भटनागर साहब जी, हाँ जी हाँ, अरे आप सुनिए तो सही, मैंने इस दवा का नाम क्या रखा है, चौंक जाएंगे आप नाम सुन के। इस दवा का नाम मैंने रखा है यौवन आजीवन। यौवन तो आजीवन रहना ही चाहिए। अच्छा भटनागर साहब, ऐसा है आप तो बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं आयुर्वेदिक दवाइयों के, तो आपको ही इसका डिस्ट्रीब्यूशन सौंप रहा हूं सर मैं। जी हाँ जी हाँ, नहीं अगर कीमत इसकी मार्केट में 150 रुपए है तो हम इसकी कीमत 125 रुपए रख लेंगे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मैं इसकी सप्लाई आपको शुरू करता हूँ। ठीक है, ओके ओके बाय। बाबू जी, ये क्या आपने डॉक्टर की प्रैक्टिस छोड़कर बिजनेस कैसे शुरू कर दिया? आदमी को हमेशा अपनी हैसियत से ऊपर उठने के तरीके खोजने चाहिए, समझी? लेकिन आपकी प्रैक्टिस तो ठीक चल रही थी ना, तो दवा बनाकर बेचने में क्या नुकसान है? नहीं बाबू जी, आपने आज से पहले बिजनेस नहीं किया इसीलिए मैं पूछ रही थी। अरे तो आप शुरू कर रहा हूँ। लेकिन बाबू जी, शुरुआत से घाटे की बात, जो दवाई बाजार में 150 रुपए की बिकती है उसे आप 125 रुपए में बेचने की बात कर रहे हैं, ये घाटा ये नुकसान कैसे सहेंगे आप? तेरी समझ में ये बात नहीं आने वाली है, तू इसमें अपनी अकल मत लगा। लेकिन मुझे बताइए तो सही बाबूजी, मुझे लग रहा है इस बिजनेस के चक्कर में आप अपना भारी नुकसान कर लेंगे। तुझे मैंने जितना कम पढ़ाया वो भी मैंने कर दिया, कम पढ़ा के जब तेरे ये हाल है, अगर मैं तुझे ज्यादा पढ़ा देता तो क्या करती तू? मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? बिल्कुल चुप रह, गलत बात कर रही है तू, अपना काम तो ध्यान से करती नहीं है, मेरे काम में टांगड़ा रही है। बाबूजी मुझे बस ये लग रहा है कि आप, मैंने आपको इस तरह से कभी भी दवाई बनाकर बाजार में बेचते हुए नहीं देखा, मैं इसीलिए पूछ रही थी कि ये कोई अलग काम कर रहा हूँ, अपने पेशे से जुड़ा काम कर रहा हूँ। डॉक्टरी की प्रैक्टिस मैंने बहुत कर ली, अब मुझे अपनी एम्बिशन भी पूरी करनी है, समझ रही है ना बात तू? चल यहाँ से और मेरे काम में टांग मत उड़ाना आज से, चल।